Just see, we have told you about 1.5 crore polling and security personnels, but there were around 68,000 monitoring teams. वो क्या कर रही थी ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको. तो ये साइलेंट स्टोरी है जो बैकग्राउंड में चल रही थी और दो तीन महीने के नैरेटिव में ये कहीं आती ही नहीं है, हो जाती है. 135 स्पेशल ट्रेन चल रही थी जो फोर्सेस को इधर से उधर लेके जा रही थी. 4 लाख से ऊपर व्हीकल, 1692 से ऊपर की सॉर्टीज जो पोलिंग पार्टीज को अंदर में जंगल में पहाड़ पे लेके जा रही थी. अनसंग हीरोज ऑफ आर इलेक्शंस एंड इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस रिसर्च एंड स्टडी कि ये लोग 1.5 करोड़ 50-60 लाख लोग जो बिल्कुल पोलिंग कराते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक दिन पहले मिलते हैं और अचानक से एक जैसा 10-10.5 लाख बूथ पे एक इलेक्शन रिजल्ट इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं. हम लोग आपस में अगर 5 लोग किसी डिफरेंट ऑफिस से आके मिलके बैठे हैं तो कितनी भी ट्रेनिंग कर लें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर लगाएंगे एक काम को करने में. और ये पोलिंग स्टेशन पे जाके और किस तरह से जाते हैं ये हम बताएंगे. तो इनको अभी हम सम्मान करना चाहते हैं बहुत अधिक. आपको दिखाता हूँ इनकी वीडियो क्या करते हैं ये. कैन वी शो द वीडियो ऑडियंस ऑफ आवर डेमोक्रेसी. From organizing polling materials to strategizing logistics, ECI officials meticulously plan every step, overcoming any challenge to ensure that democracy flourishes. Where roads won't take us, we take to the skies. Because not even the sky is a limit in our quest to ensure that every last voter in this country is reached. We go the extra mile with a smile. So you don't have to, ensuring your vote is counted and your voice is heard in our democracy. Rain or shine, scaling mountains or navigating through last mile challenges.